हाँ सर जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आज सीएम ममता बनर्जी से आप लोगों का क्या बातचीत हुआ? ठीक है, सबसे पहले तो हमने उनको बधाई दी और उनको और बंगाल की लोगों को भी, उन्होंने कैपिटलिज्म को और फंडामेंटलिज्म को रिजेक्ट किया। सबसे पहले तो यही था, पूरा देश जो है वो दिख रहा था बंगाल के चुनाव को, और अब की बार बंगाल का चुनाव खाली बंगाल का नहीं था, पूरे देश ने अपना चुनाव मान लिया था। और लोगों की नजर बंगाल पे लगी थी कि बंगाल में ये जो है बीजेपी को हार चाहिए, और पूरा देश चिंतित था और पूरे देश ने सेलिब्रेट किया इस जीत को। तो के लिए बंगाल के लोग बधाई के पात्र हैं, वो हमारा मेन मकसद था। दूसरा भी हमारी चर्चा की और हमने जो हमारा एजेंट है उससे बात की, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो क्या क्या फार्मर्स के लिए कर रहे हैं अपने स्टेट में, क्या क्या पॉलिसी ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने, और जो रिमेंट इशू थे उनसे हमारी डिस्कशन हुई। उसमें क्राइसिस जो है मार्केट में एश्योर की जाए, चाहे वो वेजिटेबल की हो, फ्रूट्स की हो, या प्रोड्यूसर्स के लिए हो, फिशरीज के लिए हो, सबके एक जो है फिक्स प्राइस हो, उससे कम पे कोई भी उस परचेज ना हो, इस तरह एक मैकेनिज्म बने जिससे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों एक्सप्लोटेशन होते हैं, जो मिडिल मैन है उसका एक्सप्लोटेशन जो है वो खाली प्रोड्यूसर्स को नहीं वो एक्सप्लोट करता, वो कंज्यूमर को भी एक्सप्लोट करता है। आज के एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या हो रखा है, जो प्रोड्यूसर को उसका प्राइस नहीं मिलता है और कंज्यूमर ज्यादा देना पड़ता है। अच्छा, तो हमने आज इस पे दोनों पे चेक करने की स्टेट की ड्यूटी है, और स्टेट पे काम करता है तो वो मतलब बहुत बड़ा एक काम हो जाएगा, पूरे देश के लिए एग्जाम्पल होगा और पूरा देश फॉलो करेगा उसे। ममता जी से हमने अपील की कि आप इसमें लीड लें तो आगे बढ़ाए, क्योंकि सब जो है एग्रोबेस इंडस्ट्री से हमारी बात हुई कि वो अब जोन बनाते हैं, जिस जोन में जो मेजर क्रॉप है उसकी उससे रिलेटेड इंडस्ट्री उस इलाके में लगे, ताकि वो कंज्यूमर मतलब वो प्रोड्यूसर को अपना जो है प्रॉपर उसकी माल की सप्लाई हो तो उसको प्राइस अपने आप मिल जाएगा। अभी एग्रोवेस इंडस्ट्री ना होने की वजह से रीजन है उसको कीमत नहीं मिल पाती है, मार्केट का डिस्टेंस कम किया जाए, मार्केट मंडी को किसान के नजदीक लाया जाए ताकि वो उसके विद इन अप्रोच हो। ये तमाम चीजें डिटेल में डिस्कशन की है इन लोग बातों और एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि आप लोगों का ये जो आंदोलन है, यानी कि जो किसान आंदोलन है, ये 6 महीने पार कर चुका है, अभी तो 6 महीने पार कर चुका है। जनवरी में लास्ट में आपका आप लोगों के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का बात हुआ था, तो आगे दिन कोई बात करने का कोई इशारा मिल जाए गवर्नमेंट के तरफ से? नहीं, अभी मतलब ये मैंने बताया ना जो फिक्स है वो डिस्कस हुए और उन्होंने किया, उसमें उन्होंने कुछ चीजों को तो बताया कि हम लोगों ने अपने स्टेट पर उन्होंने डिटेल से बताया डिस्कस किया फ्यूचर, उसमें वो कह रहे की उसमें हमारा बंगाल का स्टेट क्लियर है, ने पहले ही सपोर्ट किया है उसे और आगे सपोर्ट करेंगे। ममता बनर्जी ने आज कहा है कि आप लोगों के साथ जितने दिन का आंदोलन चलेगा उतने दिन आपके साथ रहेंगे, और फिर उन्होंने कहा आप लोगों ने उनसे भी अर्जी किया है कि जितने भी तमाम जो विरोधी दल का सीएम है उनको इकट्ठा करके आप लोगों के साथ आए, उनको कहा कि आप लीड ले, सब बुला के एक कॉन्फ्रेंस करके लिखे, उससे हम मदद मिलेगी, हम लोग तो नॉन पॉलिटिकल है, हमारा तो उससे नहीं है इश्यू। जो है वो ये ममता दीदी कर सकती है, ये सबको जो है जो स्टेट्स हैं जो इस सपोर्ट कर रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला के और जॉइंट कॉन्फ्रेंस करके गवर्नमेंट को देखें, ऐसा हमने उनसे आग्रह किया। और एक ये बात कि
हमने देखा कि हालांकि जो अभी चुनावी मुद्दा खत्म हुआ, बंगाल का चुनाव खत्म हुआ, और फिर उससे पहले आप लोगों ने नो वोट टू बीजेपी कह के एक कैंपेन लाए थे कि बीजेपी को मत वोट दो और आपको जिसको पसंद है उसको भी वोट दो, मगर बीजेपी को मत वोट दो। सामने यूपी का भी चुनाव है, क्या आगे दिन आए दिन आप लोग क्या यूपी में भी जाएंगे ऐसे प्रचार करने? बिल्कुल 100% चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम चुनाव से पहले ही चले जाएंगे यूपी में। हम अगस्त में शुरू कर देंगे कैंपेन। बीजेपी जो है वो एंटी फार्मर है, एंटी पीजेंट से, एंटी लेबरर्स है, और वो उसको जो है सपोर्ट ना करें, वही अपील लाएगी। और एक बात, आज के बैठक के बाद एक बात जो पूरा राजनीतिक माहौल जो है उसके साथ साथ जो आम आदमी भी कह रहे हैं कि आगे दिन ये जो आज का जो बैठक है इससे ज्यादा पता चलता है कि आए दिन राजनीति में कुछ बदलाव आने वाला है और ममता बनर्जी पीएम बनने वाला है, ऐसा कुछ आपको भी दिख रहा है क्या? कौन क्या बनेगा वो हमको नहीं पता, जिसको फायदा नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी क्योंकि एंटी पीजेंट्स है, एंटी फार्मर्स है, तो बीजेपी को हम निश्चित तौर पर चाहेंगे कि बीजेपी का जिस तरह की पॉलिसी है उसमें वो सब इंडस्ट्री का, लेबरर्स का, फार्मर्स का, सबको खत्म करने का जो सोच है उनका, उसको सत्ता में नहीं लेना चाहिए, और उसमें जो भी चेंज होगी कोई भी आए हमको उससे कोई लेना देना।